दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़। और दोस्तों आज हमारे पास है 2510 प्लेनर मशीन। तो दोस्तों इस मशीन को कंप्लीट मैं आपको बताता हूं। इसकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, मशीन पूरी तरह से जैम है, ये देख पा रहे हैं। जो इसका राउटर है बिल्कुल भी रन नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज कंप्लीट इसको हम रिपेयर करके आपको बताएंगे कहाँ से इसे खोलना है, किस टाइप से इसे चेक करना है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से देखना है ताकि कोई जानकारी आपसे छूटे नहीं, मिस नहीं हो। तो दोस्तों जो फैन बेल्ट का कवर है सबसे पहले हमें रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के बाद हमने देखा इसकी जो फैन बेल्ट है बिल्कुल डैमेज हो रखी है और राउटर बिल्कुल नहीं घूम रहा है इसका। और जो इसका आर्मेचर है बिल्कुल आराम से रन कर रहा है। तो दोस्तों राउटर इसका जाम है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दोस्तों इसका ये जो डस्ट गार्ड है यहाँ पे, जो कि ये डस्ट गार्ड है, इसमें दो पेच हैं, बाकी इसमें एक लगा हुआ है। इसको डस्ट गार्ड को हमें रिमूव करना होगा। डस्ट गार्ड को रिमूव करने के बाद में दोस्तों इसके जो कार्बन बुश हैं, दोनों कार्बन बुश को हमें खोलना होगा। उसके बाद में मशीन को हम आगे खोलेंगे। तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर जो हमारा, उसको हमने चेंज कर लिया है, जो कि हमने माइंस टाइप करके जो कार्बन इसके ठीक हैं दोस्तों, एक कार्बन इसका हमने खोल दिया है। इसके बाद में दूसरा कार्बन है यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम खोल लेंगे। तो दोस्तों दूसरा कार्बन खोलने के बाद में हमें कार्बन इसका ये वाला भी ठीक है दोस्तों, दोनों कार्बन बुश इसके ठीक हैं। तो दोस्तों दोनों कार्बन बुश खोलने के बाद में आगे हमें चेक करना है इसमें कि मशीन, दोस्तों ये देखिए जो इसका राउटर है बिल्कुल नहीं घूम पा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों, और जो फैन बेल्ट थी हमारे इसकी कटी हुई थी, जो कि हमारी आर्मेचर की जो पुली है, छोटी वाली पुली, उसकी साइड से। तो दोस्तों मात्र इसका आर्मेचर ही घूम रहा था कंटिन्यू, और उसी की वजह से दोस्तों एक जगह से हीट होकर जो इसकी फैन बेल्ट है वो जल गई थी और पूरी जल के अलग हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे इस साइड के जो इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लगभग आपको इसमें दोस्तों कंप्लीट आपको 6 पेच मिलते हैं, 6 के 6 पेच खोलने होंगे। उसके बाद में हम राउटर और आर्मेचर दोनों यहाँ पे बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इनका ये जो पेच है, यहाँ पे सभी पेचों को हमें खोल लेना है। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल राउटर इसका कत्ताई भी नहीं घूम रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद में यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पूरी बेल्ट है जो पिघल कर चिपक गई है राउटर की बड़ी वाली पुली के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरी देखिए, इसको हमें थोड़ा, चलो साफ़ भी कर लेंगे, कुछ बाद में कर लेंगे इसको। चलिए इसको निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये जो बैरिंग की जो प्लेट है, राउटर के बैरिंग की प्लेट है जो यहाँ पे, इसको भी हमें खोलना होगा, क्योंकि इधर से ही हम इसको ठोक कर उस साइड में निकालेंगे। तो इस प्लेट को हमने यहाँ पे खोल लेना है। इसके अंदर 2 पेच मिलेंगे जो कि काफ़ी आसानी से खुल जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो राउटर है इसको यहाँ पे ठोक लेना है, और जो हमारा आर्मेचर का बैरिंग आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से हमने कार्बन खोले, यहाँ से आपको हल्का सा यहाँ पे ठोकना होगा। तो दोस्तों दोनों बैरिंगों को आपको बराबर से ठोकना है, राउटर का और आर्मेचर का। तो देखिए दोनों बैरिंग ठोकने के बाद में, दोनों बैरिंग निकालने के बाद में यहाँ पे काफ़ी आसानी से राउटर और हमारा आर्मेचर दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे, और फिटिंग भी दोनों एक साथ करने होते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आर्मेचर हमारा बिल्कुल फ्री घूम रहा है, आर्मेचर के दोनों बैरिंग फ्री हैं, बाकी आवाज़ साउंड है इसमें भी। तो दोस्तों दोनों बैरिंग हमारे आर्मेचर के ठीक हैं, वैसे चल जाएंगे, अभी काफ़ी चलेंगे, दोनों फ्री हैं बैरिंग इसके, ठीक है। और राउटर का दोस्तों ये वाला बैरिंग है जो काफ़ी ज़्यादा जाम है, और आगे वाला भी बैरिंग इसका बिल्कुल घूम रहा है, बाकी सही से रन नहीं कर रहा है। तो चलिए राउटर को हमने, हमारा जो वाइस है उसके अंदर फिक्स कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों इसकी पुली है जो, इसको हम यहाँ पे खोल लेंगे। जो बड़ी वाली पुली है उसके अंदर आपको बिल्कुल सीधी वाली थ्रेड मिलती है, राइट एंड क्लॉकवाइज इसमें थ्रेड है। और ये देखिए पुली निकालने के बाद में राउटर को हमने जो इसकी प्लेट है उससे अलग कर दिया है। बैरिंग देख पा रहे हैं, बैरिंग की सभी पोल नज़र आ रही है आपको। तो बैरिंग इसका जो 6000 नंबर दोनों बैरिंग इसके अंदर यूज होते हैं, राउटर के अंदर दोनों बैरिंग एक साइज़ के होते हैं दोस्तों। तो चलिए जो बैरिंग इसका डैमेज है, तो हम इसको यहाँ पे वाइस के अंदर फिक्स करके निकाल लेंगे, काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। और जो दूसरा वाला बैरिंग है वो भी काफ़ी टाइट चल रहा है,
तो दोस्तों दोनों बैरिंग हम यहाँ पे निकाल लिए हैं इसके। तो दोस्तों इसके बाद में जो ये बैरिंग है, तो हम इसमें जो SCH के बैरिंग है वो यूज कर रहे हैं, जो कि RS में है रबड़ जेड के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे चलते हैं डस्ट के, और जल्दी से जो RS बैरिंग होते हैं उसमें डस्ट या जो भी आपकी कचरा है नहीं जाता है और बैरिंग की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों इसमें हम V3 के जो बैरिंग है क्वालिटी के, उसका हम यूज कर रहे हैं। इसको इस बैरिंग को हम बूश लगाकर ठोकेंगे, क्योंकि शाफ्ट निकली हुई है इस साइड में। तो ये जो बैरिंग है हमारा, दोनों बैरिंग हमने इसमें बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। इसके बाद में प्लेट के अंदर वापस से हम राउटर को फिक्स कर देंगे, नीचे की तरफ बूश लगाएंगे, ऊपर से हम राउटर को हैमर से ठोक देंगे। तो दोस्तों राउटर हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। इसके अंदर वापस से पुली को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। पुली हमारी सेट हो चुकी है दोस्तों। पुली को बिल्कुल हाथ से ही टाइट करके छोड़ दें आप। वापस से जब चलती है हमारा जो प्लेनर चलेगा, तो ये ऑलरेडी टाइट हो जाएगी यहाँ पे। तो चलिए ये देखिए, दोनों आपको कॉम्बो आर्मेचर और राउटर दोनों एक साथ सेट करना है। और ये देखिए पूरा चारों तरफ से आपको ठोक कर सेट कर लेना। दोनों हमारे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, आर्मेचर और राउटर दोनों सेट हो गए हैं एकदम। चलिए जो प्लेट के हमारे, दोस्तों मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया था, इसमें मात्र हमारे पेज पांच ही पेज हैं इसमें। चार पेज ऊपर की तरफ है और एक पेज नीचे की तरफ है। तो इसके बाद में दोस्तों जो इसकी प्लेट है हमारी, ये राउटर की जो बैरिंग प्लेट है, इसको यहाँ पे वापस से हम यहाँ पे सेट कर देंगे। दो पेज हैं इसके अंदर, दोनों पेज यहाँ पे लगाकर फुल टाइट कर देंगे। दोस्तों ये प्लेट आपको काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे लगानी, क्योंकि जो राउटर है चलते वक्त, ताकि पीछे की तरफ नहीं आए। तो बेल्ट हमने इसमें नई बेल्ट रिप्लेस कर दी है। बेल्ट को लगाने के लिए आपको हमेशा आर्मेचर की पुली पर पूरा लगा लेना है, उसके बाद में बड़ी पुली के ऊपर लगाकर घुमा लेना है। बेल्ट हमारी सेट हो चुकी है। उसके बाद में जो कार्बन बुश है इसके, वो ठीक है, तो हम इसमें पुराने ही कार्बन बुश इसके वापस से यहाँ पे लगाकर सेट कर देंगे। तो कार्बन बुश हमारे इसके अंदर जो दूसरा वाला है, उसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो दोस्तों बिल्कुल चला कर चेक करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मशीन रन कर रही है, बिल्कुल नहीं है, आर्मेचर एकदम ओके है मशीन का। मशीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए जो यहाँ पे जो फैन बेल्ट का कवर है, इसको भी लगाकर सेट कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारा जो केबल का, इसका सॉरी, जो हमारा बेल्ट का गार्ड है वो हमने लगा दिया है। और ये देखिए जो डस्ट गार्ड है इसका, इसको भी हमें यहाँ पे लगाकर फिक्स कर देना है। एक पेज इसका कम है, बाकी हमें दोनों ही पेज इसमें लगाने हैं। ध्यान रखना है मशीन में कभी भी पेज कम है तो आपको पूरे पेज कर लेने हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल पर लगातार। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं दो बैरिंग हमने, जिस जो कि इसमें 6000 नंबर के जो बैरिंग है वो चेंज कर दिए हैं, और एक इसकी फैन बेल्ट हमने चेंज कर दी है। प्लेनर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। इस मशीन के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, या फिर व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।